करते हैं अगली खबर का, जहां यूपीपीएससी ने पीसीएस परीक्षा 2019 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। दरअसल 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक 4 दिन ये परीक्षा चलेगी, जो कि 2 पालियों में चलेगी। तो सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक पहली प्रथम की पाली जो है उसमें परीक्षा दी जाएगी। फिर दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगी दूसरी पाली की परीक्षा। बता दें कि प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में इसको लेकर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो कार्यक्रम यूपीपीएससी ने पीसीएस परीक्षा 2019 को लेकर जारी किया है और इसके मुताबिक 4 दिन तक ये परीक्षा चलेगी, 22 सितंबर से 26 सितंबर तक के बीच में, और 2 पालियों में आयोजित हो रही है। सुबह 9:30 से 12:30 बजे 1 पाली और फिर दोपहर 2 बजे से 5:00 बजे तक की दूसरी पाली होगी। और 3 जगहों पर, 3 जिलों में दरअसल इसको लेकर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो कि प्रयागराज है, लखनऊ है और गाजियाबाद है। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। यूपीएससी ने 4 दिन को लेकर ये कार्यक्रम अपना जारी किया है पीसीएस परीक्षा 2019 के लिए, 22 सितंबर से 26 सितंबर तक के बीच का। तो कोरोना काल है और ऐसे में परीक्षाओं का आयोजित करने में व्यवस्थाएं काफी दृढ़ की जा रही है, प्रशासन के हाथ पैर फूल जा रहे हैं। और ऐसे में देखना होगा कि अब, हालांकि इसको थोड़ा बढ़ाया गया है ताकि सावधानियां बरती जाए, व्यवस्थाएं उस तरीके से हो पाए। ऐसे में ये 4 दिन तक परीक्षा चलेंगी, जो कि 2 पालियों में होगी और 3 जगहों पर ही इसके केंद्र बनाए गए हैं, प्रयागराज में, लखनऊ में और साथ ही गाजियाबाद में।